दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला जो 15,000 के अंडर में आता है अभी के टाइम में, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल तक कैमरा मिल जाएगा, साथ ही फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा एंड अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाएगा, 4 to 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज भी मिल जाएगा, 5000 mAh तक का बैटरी भी मिल जाएगा। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पे आता है रियलमी ब्रांड की तरफ से Realme 9 5G। चलिए जान लेते हैं इस फोन के बारे में क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। दोस्तों अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बिल्ड ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट मिल जाता है, वेट 188 ग्राम, हाइट 162.5 mm एंड विद 74.8 mm एंड 3.5 mm का जैक मिल जाता है। दोस्तों अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाता है। अगर इनकी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिल जाता है। साथ ही आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड 1080p 30fps तक भी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज मिल जाएगा एंड 5000 mAh तक का आपको बैटरी भी मिल जाएगा। अगर इनकी प्रोसेसर की बात करते हैं, MediaTek Dimensity 810 का ऑक्टा कोर मिल जाता है, जो कि ओवरऑल 15,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है ओप्पो के तरफ से ओप्पो K10। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बिल्ड ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक दिया गया है, थिकनेस 8.4 mm, हाइट 164.4 mm, वेट 188 ग्राम, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट मिल जाएगा एंड 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। दोस्तों अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.59 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको 84% बॉडी रेशियो मिल जाएगा, डिस्प्ले में रेजुलेशन 20:9 मिल जाता है। अगर इनकी कैमरा की बात करें तो आपको इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिल जाता है। इसमें आपको LED फ्लैश HDR जैसे फीचर मिल जाता है एंड 1080p 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज भी मिल जाता है, साथ ही 5000 mAh का लंबा बैटरी भी मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G का ऑक्टा कोर मिल जाता है। दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 11 पर बेस है। दोस्तों ये फोन आपको 15,000 के अंडर में मिल जाएगा। नंबर थर्ड पर आता है मोटोरोला की तरफ से Motorola G62। दोस्तों इनकी बॉडी की बात करें तो ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक दिया गया है, साइड में माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। इनकी हाइट की बात करें तो 161.83 mm एंड विथ 73.96 mm, थिकनेस 8.59 mm एंड 184 ग्राम वेट मिल जाता है, साथ ही स्टूडियो टाइप का स्पीकर मिल जाएगा एंड 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले बॉडी रेशियो 85.2% एंड रेजुलेशन 20:9। दोस्तों इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल माइक्रो एंड 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 1080p 30fps 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिल जाता है। अगर इनकी प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 795 का ऑक्टा कोर मिल जाता है, आपको 5000 mAh तक का बैटरी भी मिल जाएगा, इस प्राइस में आपको एक ऑलराउंडर फोन मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से Samsung Galaxy F23। दोस्तों अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बिल्ड ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक, साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है एंड 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। अगर इनकी हाइट की बात करें तो 165.5 mm विद 77 mm, डेप्थ 8.4 mm, वेट 198 ग्राम के साथ आता है। तो अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही 82.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, रेजुलेशन 20:9, गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, इसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड 1080p 30fps तक भी आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का ऑक्टा कोर मिल जाता है, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी भी मिल जाता है। ओवरऑल 15,000 के अंडर में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है। दोस्तों नंबर वन पर आता है पोको के तरफ से Poco M4 Pro 5G। चलिए जान लेते हैं इस फोन के बारे में क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। बिल्ड ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक मिल जाता है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक विद स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का
फुल HD प्लस डिस्प्ले एंड 84.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, रेजोल्यूशन 20:9, साथ ही गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा मिल जाता है। साथ ही LED फ्लैश HDR का फीचर भी मिल जाता है, आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड 1080p 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 810 का ऑक्टा कोर मिल जाता है। दोस्तों ये फोन Android 11 MIUI 13 पर बेस है। इसमें आपको LiPO 5000mAh का बैटरी भी मिल जाता है, साथ ही 30 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिल जाता है एंड 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिल जाते हैं। ओवरऑल देखें तो 15000 के अंडर में एक ऑलराउंडर फोन मिल जाता है अभी के टाइम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने। चलिए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं।